हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की मैं स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ, एकदम नया कॉन्सेप्ट है और मार्केट में एकदम नया बिजनेस है, नया कॉन्सेप्ट है, नया वेराइटीज है दोस्तों। तो ये पूरी मशीन की मैं वीडियोज भी लेके आया हूँ, साथ में इसकी रेसिपीज भी लेके आया हूँ। ये वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगा, कौन सी मशीन है, क्या फ्लेवर यूज होता है और उसमें से कितनी वेराइटीज बनती है, कितनी रेसिपीज बनती है, एक ग्लास कितने का लैंडिंग आता है और एक ग्लास मार्केट में कितने का सेल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये मशीन के अंदर से कम आप स्टार्टिंग में 10 रुपए का ग्लास लेके 100 रुपीज तक का बिजनेस का ग्लास बना सकते हो उसके अंदर दोस्तों। तो वीडियो आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखियो, तो इसके अंदर हम पूरी मशीन की जानकारी देंगे, इसमें कौन सा फ्लेवर यूज होता है, कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा इंटीग्रेंट्स। तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा आइडियाज के, इसको आइडियाज को डेवलप कैसे करें, ये मशीन लेके कौन सा वेराइटीज बनाए, क्या क्या इंटीग्रेंट्स इसके अंदर डालना रहता है जिससे अट्रैक्शन होता है, जिससे आपको मार्केट में भी बिजनेस मिले, आपको भी मशीन लेने के बाद एक आइडिया मिलता है कि यह मशीन के अंदर से कैसे वेराइटीज बना के क्या प्राइस पे कौन सी चीज सेल करे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप दोस्तों जरूर देखिए, हम आपको ये पूरी मशीन की जानकारी और हर एक डिटेल्स इसके अंदर देंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यह हमारी स्लश मशीन है, आइस स्लश मशीन। जो कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर डालते हो, जैसे मैंगो है, लीची है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, कोई भी इसके अंदर शरबत डालो या मिल्क बेस्ड आइटम डालो, ये तो हमने अभी इसके अंदर वाटर बेस्ड आइटम डाला है, आप इसके अंदर मिल्क बेस्ड भी आइटम डाल सकते हो दोस्तों। ये मशीन का काम है आइस का स्नो बनाना, कोई भी आप चीज डालेंगे उसका पूरी मशीन स्नो बना देंगी, बर्फ का जो आप गोला बोलते हो, स्नो बोलते हो, उस टाइप का पूरी मशीन इसको स्नो बना देंगी। इसके अंदर हमारे पास दोस्तों मॉडल से एक डबल फ्लेवर्स का मॉडल है, जिसके अंदर एक ही मशीन में दो फ्लेवर आप यूज कर सकते हो, और दूसरा मॉडल है हमारे पास सिंगल फ्लेवर से दोस्तों, एक फ्लेवर का मशीन है। इसके अंदर से कोई भी आप सिंगल फ्लेवर डाल के अपना एक बिजनेस, अपना एक आइडियोलॉजी बिजनेस कर सकते हो, मॉडिफाई बिजनेस, नया नया वेराइटीज दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी इसके अंदर हमने पांचों पांच में अलग अलग लगाए, दो मशीन दो बाउल का मशीन है, दो बाउल का और बीच में एक सिंगल फ्लेवर का मशीन है। इसके अंदर टोटल हमने पांच वेराइटीज लगाई है, हम आपको पांचों पांच वेराइटीज दिखाएंगे, थोड़ा पास से दिखाइए। सबसे पहले हमने इसके अंदर पाइनएप्पल क्रस्ट डाला है दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर पाइनएप्पल का क्रस्ट का फ्लेवर है, दूसरे के अंदर स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी क्रस्ट फ्लेवर है, इसके अंदर है वाटरमेलन क्रस्ट है, जो तरबूज रहता है वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्रस्ट है, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज क्रस्ट है, ये ऑरेंज का फ्लेवर है क्रस्ट वाला, उसके बाद यहाँ पे लीची का फ्लेवर है, ये भी लीची भी क्रस्ट फ्लेवर है। टोटल हमने पांच अलग अलग फ्लेवर बनाए, ये आप देख सकते हो पूरा आइस जम चुका है, बर्फ बन चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम इसके अंदर से आपको वेराइटीज की बात करेंगे दोस्तों, कि वेराइटी कैसे बनती है, कौन सी वेराइटीज बनती है। सबसे पहले तो हमने लीची का एक बाउल भर के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लीची का फ्लेवर है इसके अंदर रेडी। उसके बाद हमने ये तीनों अलग अलग फ्लेवर्स डाला हुआ है इसके अंदर, एक में पाइनएप्पल है यहाँ पे, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है और यहाँ पे हमने जो डाला है वो ऑरेंज का है, ऑरेंज फ्लेवर से। टोटल तीन फ्लेवर अलग अलग वेराइटीज बनाई है कप के अंदर हमने, आपके सामने भी हम आपको अभी बना के दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाना है, आपको कैसे वर्क करना है और कैसे बनाना है इसको दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंगली बात करूं दोस्तों, कि आप अगर कोई नॉर्मल कस्टमर है, अगर नॉर्मल सेटअप पे आपका बिजनेस कर रहे हो, जहां पे सस्ता लोग मांग रहे हैं, लो क्वालिटी का चीज मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस टाइप का ग्लास लेना है 250 ml का, आप देख सकते हैं 250 ml का ग्लास है, 50 पैसे का ग्लास पड़ता है 0.50 पैसा। इसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर डालते हो तो 2 रुपए का फ्लेवर जाएगा, कोई भी फ्लेवर आप डालो इसके अंदर, ये लीची डालो, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, ये वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल, कोई भी फ्लेवर डालेंगे 2 रुपए का मटेरियल जाएगा, 50 पैसे का ग्लास 2.5 रुपए में आपको लैंडिंग आएगा, आप इसको 10 रुपए में मार्केट में सेल कर सकते हो। मैं आपको इसको फिलअप करके भी बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको ये ऑरेंज का फ्लेवर निकाल के बताता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर क्वालिटी का फ्लेवर्स निकला है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। या तो आप पीने के लिए कस्टमर को इस टाइप का स्ट्रॉ भी दे सकते हो, अगर स्ट्रॉ नहीं चाहिए उसको खाना है कस्टमर, तो इस टाइप का प्लास्टिक का स्पून भी दे सकते हो दोस्तों। ये आपका चीज मार्केट में 10 रुपए में एक ग्लास जाएगा 250 ml का, इसका सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपए में कोई भी एरिया आपका वहां पे जा सकता है। अगर आपका दोस्तों कोई भी बड़ा मॉल में दुकान है, कोई भी हाई फंक्शन एरिया में दुकान है, कोई भी अच्छी एरिया में दुकान है, या कैंटीन है आपका, मॉल में है शॉप आपका, तो वहां पे आप उसको वेराइटीज दे सकते हो दोस्तों कस्टमर को। वेराइटी माने कि आप इस टाइप का बड़ा ग्लास जो रहता है और इस टाइप का ढक्कन रहता है, आप देख सकते हो
एक कैप रहता है, ये कैप इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है और इसके ऊपर स्ट्रॉ लग जाती है इसकी। ये सब मिला के आपको 3.5 रुपए का चीज गिरता है इसका। बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक, हाई क्वालिटी का प्लास्टिक और स्ट्रॉ लेते हो पेपर वाला आप, तो इसका आपको लैंडिंग जाएगा 3.5 रुपए का नेकेड ग्लास, खाली ग्लास। इसके अंदर 350 ml ड्रिंक फिट होगा। इसके अंदर कोई भी आप फ्लेवर डालेंगे 350 ml इसके अंदर जाएगा। ये आपको कप बनाने का खर्चा आपको 3.5 रुपए का ग्लास और 3 रुपए का फ्लेवर जाएगा इसके अंदर दोस्तों। इसलिए 6.5 रुपए में लैंडिंग जाएगा। इसका मिनिमम प्राइस सेलिंग है 20 रुपीज, 20 रुपए में मार्केट में सेल होता है मिनिमम। कम से कम आप मैक्सिमम में इसमें 40-50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया ड्राई फ्रूट डाल के 100 रुपीज तक का भी कॉप या ऐसा बना सकते हो दोस्तों। मैं आपको इसको भी फील करके बताता हूँ कैसे फील होता है। हम अभी इसमें मिक्स फ्लेवर भरेंगे, 5-5 अलग अलग वेराइटीज भरेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पाइनएप्पल से। ये थोड़ा पाइनएप्पल हमने डाला, उसके बाद हम थोड़ा स्ट्रॉबेरी डालेंगे। स्ट्रॉबेरी गया इसमें, उसके बाद हम तीसरा वाटरमेलन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये वाटरमेलन, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज डालेंगे हम। ये ऑरेंज गया, इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर से टॉप लीची को कर देंगे। ये आपका 350 ml का कप भर चुके हैं, रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अभी आपको इंटीग्रेंस कुछ डालना है, तो यहाँ पे हमने ये जो इंटीग्रेंस लगाया हुआ है, आप इसको इंटीग्रेंस भी डाल सकते हो, उसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हो। इसे आप देखिए, कोई भी कलर का आपको डेकोरेशन करना है तो इसको आप डेकोरेट कर सकते हो। ये चॉकलेट का है, ये आप देख सकते हो। जितना भी आपको अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग कलर बनाना है, ये चॉकलेट टिप्पल है इसका, ये भी डाल के आप इसको अलग अलग वेराइटीज बना सकते हो। आप देख सकते हो पूरा बहुत ही अच्छा और बढ़िया दिख रहा है देखने में, और इसका टेस्ट भी एकदम नेचुरल और बढ़िया है। कोई भी आदमी ऐसा ही लगेगा कि ओरेंज ओरिजिनल जूस पी रहा है बंदा, कोई भी फ्लेवर का जूस पी रहा है वो। और इसको लगा देना है अपने को कैप, इसका कैप है। इसके बाद इस पर अपने लगा देना है स्ट्रॉ। अगर आप ये ट्रिंकल से, इसका चोको चिप से वो सब लगाएंगे दोस्तों, तो इसको बनाने का खर्चा आपको पड़ेगा 7.5 रुपए का। 1.50 रुपए का जो हमने मटेरियल डाला, वो 1.5 रुपए का मटेरियल इसके अंदर जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको 7.5 में पड़ेगा। इसका सेलिंग प्राइस है 30-35 रुपए में मार्केट में एक कप या ग्लास सेल होता है ये ट्रिंकल्स वाला। उसके बाद दूसरा रेसिपी अगर आपको सीखना है, तो मैं आपको इसका चॉकलेट का, जो हर्सिस का चॉकलेट रहता है, ये हर्सिस का चॉकलेट है, इसको भी आप इसे ग्लास में, पहले इसको चॉकलेट भी डाल सकते हो इसके अंदर ऐसे ग्लास में इसको, ये आप देख सकते हैं पूरा। ये चॉकलेट आपको लगा देना है ऐसे, उसके बाद इसका फ्लेवर फिलअप करना है आपको। हम इसके अंदर कोई भी फ्लेवर, जैसे कि लीची का फ्लेवर है, फिल करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा बेहतर क्वालिटी का लीची निकल रहा है अच्छे से, आप देखिए। आप देख सकते हैं पूरा, इसके ऊपर हम इसका कप लगा देंगे। ये चॉकलेट वाला फ्लेवर हो गया लीची का, आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेट हो चुका है साइडों में, चारों साइड से चॉकलेट डेकोरेट हो चुका है इसके अंदर। इसको भी अगर आप चॉकलेट भी लगाएंगे, तो 2 रुपए का चॉकलेट जाएगा इसके अंदर आपका, जो हर्षिस का हमने चॉकलेट डाला, और 2 रुपीज का कॉस्टिंग आएगा चॉकलेट का आपको। और इसका 6.5 रुपए का फ्लेवर हमने आपको बताया कप के साथ में, 3.5 का कप है, 3 रुपए का मटेरियल, 6.5 रुपये और 2 रुपए का चॉकलेट जाएगा, इसलिए 8.5 रुपए का लैंडिंग जाएगा। ये भी आपको 35-40 रुपए में मार्केट में सेल्ड आउट होगा आपको। तो इस हिसाब से आप बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर से वेराइटीज बना सकते हो दोस्तों। आपको जैसा भी मॉडिफाई करना है वैसा बना सकते हो। कोई कस्टमर प्याली मांगता है, तो इस टाइप का अगर उसको प्याली बना के देना है आपको, ये यूज एंड थ्रो प्याली रहता है, जिसका कीमत है 6 रुपीज में मार्केट में मिलता है। यूज एंड थ्रो, यूज करके उसको ड्रॉप कर दो, फेंक दो, ये प्याली है। एक 6 रुपए के मटेरियल के अंदर 2 रुपए का मटेरियल, 1.5 से 2 रुपए का मटेरियल जाएगा, आप कोई भी भरेंगे। इसको भी मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा। ये वाटरमेलन है, यहाँ पे ऑरेंज थोड़ा डाल देंगे, ये आप देख सकते हो पूरा। इसके ऊपर स्पून लगा के आपको कस्टमर को सेल कर देना है। ये कम से कम 20 रुपीज में जाएगा, 20 रुपए में एक चीज जाएगा आपका।
इसको बनाने का खर्चा सिर्फ आपको 8 रुपीज गिरता है, सेल होता है 20 रुपीज में, एक कप बनाने पे आपको 12 रुपए का नेकेट प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारा वेराइटीज आप बना सकते हो उसके अंदर, इसके अंदर मलाई डाल सकते हो, काजू बादाम ड्राई फ्रूट से, अंजीर से ऐसे ड्राई फ्रूट भी लगा के इस टाइप से आप बना के उसके अंदर एड करके 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए का तक का कप अलग अलग वेराइटीज में आप कस्टमर को बना के दे सकते हो दोस्तों। तो आज की तारीख में दोस्तों बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। इसका जो फ्लेवर रहता है, रॉ मटेरियल रहता है दोस्तों, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इसका कहाँ से लेना है इसका रॉ मटेरियल, वो हम आपको लोकली डीलर का कॉन्टेक्ट भी करा देंगे। ऑल ओवर इंडिया में सब जगह इसके डीलर्स भी अवेलेबल है फ्लेवर्स के। अगर आपको हमारे से चाहिए तो हम भी आपको इसका फ्लेवर सप्लाई करेंगे। इसका फ्लेवर का एक्सपायरी डेट 1.5 साल तक फ्लेवर को कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो एक बार आपको 4-6 महीने का फ्लेवर स्टॉक में लगा के एक बार मंगा लेना है हमारी कंपनी में से दोस्तों। तो अभी आज की तारीख में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, नया कॉन्सेप्ट है, लोगों के सामने एक नया वेराइटीज मिलता है दोस्तों। गोला जो रहता है दोस्तों, जो गोला आपने खाते उसका आइस बर्फ रहता है, वो हार्ड रहता है जो खाने से लगता है, और ये चीजें पूरा सॉफ्ट रहता है, आदमी इसको खाएगा इसलिए सीधा पिघल जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये एकदम सॉफ्ट है, पूरा स्नो टाइप का है, स्नो जो रहता है उस टाइप का है, पूरा मुंह में डालेंगे इसलिए पूरा पिघल जाएगा ये पूरा। ये कोई गोले टाइप का नहीं है, जो हार्ड रहता है वो गोले का टाइप का बर्फ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मशीन के अंदर से पूरा प्रोसेसिंग बन के निकलता है दोस्तों। आपको इसमें आइस डालने का जरूरत नहीं है, कोई भी फ्लेवर बना के फ्लेवर डाल देना है, ये हिसाब का मालास का या कंपनी का फ्लेवर भी यूज करना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। ऊपर से टॉपिंग्स करने के लिए भी इसको यूज करना है तो कर सकते हो, ये मालास का लीची है, ऑरेंज है, सब अलग अलग फ्लेवर से अगर ये भी करना है आपको तो यूज कर सकते हो, और हम आपको अगर फ्लेवर देंगे वो करना है तो भी यूज कर सकते हो। हमारा जो फ्लेवर रहता है, हम जो आपको फ्लेवर देंगे ब्रांडेड कंपनी का, जो रसना कंपनी है, अपोलो कंपनी का, वो थोड़ा ये मालास कंपनी से फ्लेवर से थोड़ा कॉस्टिंग में लो जाएगा दोस्तों, सस्ता रहेगा, टेस्ट तो बढ़िया ही रहेगा लेकिन रेट में थोड़ा आपको सस्ता गिरेगा, तो हम आपको फ्लेवर भी इसका प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो इस टाइप की मशीन 2 बाउल की और सिंगल बाउल की खरीदने के लिए दोस्तों डायरेक्ट हमारी कंपनी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मशीन की प्राइस क्या है, मशीन के साथ क्या क्या सामान फ्री में मिलता है, कितना फ्लेवर मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है क्या है, हर एक जानकारी आप हमारी कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के नीचे ब्लिंकिंग में हमारी कंपनी का नंबर लगा है, वहाँ पे आप कॉल करें, हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये आपको बिजनेस और ये आइडिया अच्छा लगा तो एक बार हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हमको नए नए बिजनेस डालने में आसानी हो और हमको अच्छा लगे कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर को हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो हम नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए बिजनेस आइडिया आपके सामने लेके आए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।